सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और अरमान के किरदार में नजर आ चुके सबके फेवरेट बन चुके हैं। बात कर रहे हैं हम प्रतीक्षा होनमुखी और शहजादा दामी के बारे में, जो शो से बाहर हो चुके हैं। राजन शाही ने शो से उन्हें खुद बाहर निकाला है। अब तक की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दोनों के मिसबिहेवियर से काफ़ी तंग आ चुके हैं शो के क्रू मेंबर्स और साथ साथ में मेकर्स, जिसके कारण ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, दोनों को शो से फायर किया गया है। अब रिपोर्ट आ रही है शिवम खजूरिया ने जो कहा है इस बारे में, शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखी के टर्मिनेट होने पर शिवम ने क्लेरिफाई किया है कि प्रतीक्षा को शहजादा ने गलत तरीके से गाइड किया, मिस गाइड किया, और शहजादा बहुत अनप्रोफेशनल थे। क्रियू से कहते थे मुझे सर कहकर पुकारो, और शहजादा प्रतीक्षा काफ़ी क्लोज भी थे। फैंस तो कह रहे हैं दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। अब आपको बता दें कि दोनों के टर्मिनेशन को लेकर ऑफिशियल लेटर भी इशू किया गया है प्रोडक्शन हाउस की ओर से, जो इस शो को प्रोड्यूस कर रहा है। और तो वहीं आपको बता दें दोनों ने सर पर बदतमीजी की, ये भी रिपोर्ट्स आई है। तो शिवम ने ये पूरे मामले पर अब अपनी तरफ से अपनी राय भेजी और कहा, मैं कास्ट के साथ शो में काम कर चुका हूँ, एक और डेढ़ महीने के आसपास मैंने उनके साथ काम किया। प्रतीक्षा जो रूही के किरदार में थी वो न्यू कमर थी, वो शो के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखती नजर आई। कन्वर्सेशन के बारे में शिवम ने कहा कि मैंने उसे एडवाइस किया था कि क्राफ्ट में अपना वो काम करे, डिस्ट्रैक्ट ना हो बाकी एक्टर्स की तरह, लेकिन किस्मत खराब थी उसकी कि उसने फोकस खो दिया था। शहजादा के बारे में उनका कहना था कि उनको प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा नहीं आती थी, बहुत सवालों से घिरा था उनका प्रोफेशनलिज्म, और शूट डिले होते थे और उनके इनप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से क्रियू को प्रॉब्लम्स होती थी। उनके ओपिनियन प्रोडक्शन हाउस ने काफ़ी ज़्यादा गलत नहीं किया, उन्हें इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। DKP जो मोस्ट प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस है मैं जिसके साथ मैंने काम किया, ये टर्मिनेशन बिना वजह की नहीं हुई है। और तो और उन्होंने कहा कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं, उस बारे में शिवम ने प्रतीक्षा से बात की थी, लेकिन शूटिंग के कंटेस्ट में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा समय ही पैसा है, और ऐसे में उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी और इसी कारण से वो मिसलीड हुई। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।